चलिए गाइस, आप लोगों ने जैसा कमेंट किया था यार, सस्ते स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट बैंड हमारे लिए लेकर आओ, तो हम आपके लिए लेकर आ गए। और ट्रस्ट मी गाइस, इससे सस्ता आप स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड नहीं देखे होंगे। ये जो स्मार्ट बैंड है इसका प्राइस 300 है, और इसका प्राइस यानी जो ये स्मार्ट वॉच है इसका प्राइस 400 रुपीज है। 400 रुपए में और 300 रुपए में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो दोनों स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट बैंड का, कि कितना में हमने इसे परचेज किया है। ओके, और गाइस ये जो स्मार्ट वॉच, इसका वीडियो मैं बहुत पहले बनाया था जिसमें मैं सारा चीज बताया था ये स्मार्ट वॉच के बारे में, लेकिन उसमें कुछ कमेंट थे जिसे हमने पिकअप किया है और उसका सारा आंसर मैं करने वाला हूँ। बहुत ही फनी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, तो सभी चीज बताएंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए देख लेते हैं कितना इंटरेस्टिंग होता है ये दोनों स्मार्ट बैंड एंड स्मार्ट वॉच। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोनों का बॉक्स कुछ इस तरह से है, दोनों पे स्मार्ट ब्रेसलेट ही लिखा है। ये स्मार्ट बैंड है और ये एक स्मार्ट वॉच है। तो सबसे पहले बॉक्स में से निकाल लेते हैं स्मार्ट वॉच को, और कुछ नहीं है। इसके बाद इसका बॉक्स ओपन करते हैं। इसमें भी अब कुछ नहीं है। दोनों में आपको यूजर मैनुअल मिल जाता है, इसे फिलहाल साइड में रखते हैं, इसका यूज आपको आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। दोनों के बॉक्स कंटेंट में आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच हो गया, इसमें स्मार्ट ब्रेसलेट है, स्ट्रैप आपको देखने को मिलता है, और इसमें भी स्ट्रैप है कुछ इस तरह का। स्मार्ट बैंड को चार्ज करने के लिए आपको कुछ इस तरह से इसमें लगाना पड़ेगा, और अपने पावर बैंक हो गया या चार्जर का अडेप्टर हो गया या अपने लैपटॉप वगैरह में लगाकर आप चार्ज कर सकते हो। ये जो स्मार्ट वॉच आप देख रहे हो, इसे जो चार्ज करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट अपने चार्जर का अडेप्टर में, या जो भी टाइप ए इंटरफेस वाला चीज होगा जहां पे आप इसे लगाकर चार्ज कर सकते हो। ओके, और इसके बाद जो स्ट्रैप का क्वालिटी ओवरऑल ठीक ठाक है, 400 रुपए में हमें क्या ही देखने को मिलेगा, फिर भी बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे। ये जो स्मार्ट बैंड का आप स्ट्रैप देख रहे हो, इसे आप चेंज कर सकते हो, अमेजोन पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका क्वालिटी थोड़ा सा चीप मुझे लग रहा है एज कंपेयर टू यहाँ पे स्मार्ट जो वॉच है इसके कंपेयर में, जैसा आप देख सकते हो थोड़ा सा कमजोर भी लग रहा है ये। एंड इसके बाद चलिए आप डायरेक्ट आते हैं स्मार्ट बैंड के ऊपर और स्मार्ट वॉच। दोनों का बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल यहाँ प्राइस के हिसाब से देखेंगे, 400 रुपये इसका प्राइस है, 300 रुपये का ये आता है। तो ये सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये जो स्मार्ट वॉच है ना, ये 400 रुपये में आई थिंक बहुत ही अच्छा है, और इसके बाद ये देख लेते हैं, और ये 300 के हिसाब से ये भी काफ़ी सही है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह ठीक है, प्लास्टिक का है। ये जो स्मार्ट बैंड है इसका डिस्प्ले साइज 0.96 इंच का TFT डिस्प्ले होने वाला है, और ये जो स्मार्ट वॉच है इसका लगभग आपको 1.2 इंच के आसपास डिस्प्ले है, और ये जो है वो फुल्ली टच स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे एक बटन है, इसके हेल्प से आप यहाँ पे सारा चीज़ काम कर सकते हो। इसके बाद इसमें भी कुछ ऐसा ही है, जस्ट आपको एक यहाँ बटन मिलता है जिसके हेल्प से आप सारा चीज़ कर सकते हो। दोनों का जो फंक्शन एंड जो फीचर वगैरह है दोनों का सेम है, जस्ट ये इससे बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे दोनों में आप मैसेज वगैरह हो गया, सारा फीचर वगैरह आप देख सकते हो। तो चलिए एक एक करके सारा चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले इसे स्मार्ट वॉच को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन में कनेक्ट करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, जैसा आप लोगों का कमेंट था वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने क्या क्या पूछा है मुझसे। ओके, तो इसे हम अभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कनेक्ट करने वाले हैं। अब गाइस आपको ये स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल में भी QR कोड देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये QR कोड आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो, या चाहो तो आप स्मार्ट वॉच में ही आपको यहाँ पे, जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा, जैसे मोड में जाकर ये जो आप QR कोड देख रहे हो इसे स्कैन करना है, और इसे स्कैन करने के बाद आप डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद आपको कनेक्ट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट जैसे मैंने अभी अपने स्मार्टफोन में ये ऐप डाउनलोड कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं फिट प्रो नेम से एक ऐप आता है, इसे आपको डाउनलोड करना है। इसे आप चाहो तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, अभी इसे एग्री करना पड़ेगा। फिट प्रो जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है, इसे फिलहाल स्किप कर देते हैं, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको इसे स्मार्ट वॉच को पहले मैं यहाँ से डिसकनेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कैसे कनेक्ट कर लिया मैंने, तो रीसेट कर दें। ओके, तो यहाँ पर अभी स्मार्ट वॉच कनेक्ट नहीं है, डिसकनेक्टेड आप देख सकते हो, यहाँ पर डिसकनेक्टेड आ रहा है। अभी मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पे बिन डिवाइसेस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर्स पे जाना है आपको। यहाँ से अपना लोकेशन ऑन कर देना है, लोकेशन ऑन करने के बाद आपको बैक आना है, बैक आएंगे एंड देन फिर यहाँ पे सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आ गया, यानी एक मेरा स्मार्ट एक यहाँ पे मेरा स्मार्ट बैंड आ रहा है और एक आ रहा है स्मार्ट वॉच। तो अभी मैं दोनों कनेक्ट करता हूँ, ट्राई टू कनेक्ट, इस पर एक बार ऐसे करना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, टाइम सेटिंग कंप्लीट, और एक स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो गया है।
अब जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरह का होने वाला ऐप का। स्टेप वगैरह आप कितना चलते हो ये हो गया, डिस्टेंस हो गया, कैलोरी वगैरह, टारगेट आप कुछ सेट करके रख सकते हो, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग यहाँ पे दिया गया है, और भी क्या क्या चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। सेट में आते हैं और सेट में आने के बाद आप देख सकते हो रिमाइंडर वगैरह भी, अलार्म्स है, DND है यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद रिमोट शटर यानी कि अगर आप इसे एज अ कैमरा शटर बटन यूज कर सकते हो, और इसके बाद मैसेज पुश में यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज वगैरह के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, जैसे कॉल्स रिमाइंडर हो गया, SMS रिमाइंड हो गया, WeChat हो गया, तो यहाँ पे WhatsApp और Instagram वगैरह भी, और Skype हो गया, और भी सारा चीज़ का आप ऑन कर सकते हैं। तभी इस सभी को बंद करते हैं एंड यहाँ पर एक मैं कॉल करता हूँ सबसे पहले और देखते हैं किस तरह का कॉल आता है इस पर। तो जैसा आप देख सकते हो इस पे कॉल आ रहा है श्रवण करके और इसमें वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो ये जो स्मार्ट वॉच है इसमें आपको रिसीव वगैरह कुछ नहीं कर सकते, बस आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल किसका आ रहा है। ओके, और एक चीज़ जो इसमें अच्छा लगता है, जब आपको कॉल आएगा तो वाइब्रेशन काफ़ी तगड़ा होता है, आपको पता चल जाएगा यार कि कॉल वगैरह आ रहा है या मैसेज आ रहा है। तभी एक मैसेज सेंड करके आपको दिखा देते हैं। देखो गाइस यहाँ मैसेज आ गया है, हेलो रोहित, और कुछ इस तरह का मैसेज है। इसे रिप्लाई वगैरह आप नहीं कर सकते हो, जस्ट आप देख सकते हो, और वाइब्रेशन भी होता है, तो काफ़ी अच्छा है। अब इसे स्मार्ट बैंड में भी कुछ इसी तरह का होगा सेम, तो सबसे पहले स्मार्ट बैंड को कनेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आपको बिंड पे जाना है और इसके बाद LTH16 आ गया, टैप टू कनेक्ट, कनेक्ट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो ये भी वॉच कनेक्ट हो गया है, और इसके बाद आप जो सेम इंटरफेस है ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि ऐप का इंटरफेस ऐसा ही है। तो गाइस अभी जस्ट स्मार्ट बैंड को मैं कनेक्ट कर लिया हूँ, अब इस पर कॉल एंड मैसेज करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे श्रवण आ रहा है जैसा आप देख सकते हो, और वाइब्रेट ये भी कर रहा है, तो वाइब्रेट ये भी कर रहा है, यानी कि सेम फीचर इसमें भी है स्मार्ट बैंड में भी। ओके, अब मैसेज करते हैं एक, हेलो रोहित, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ गया है। ओके, तो इसमें वाइब्रेट इसमें भी कर रहा है, बट रिप्लाई वगैरह इसमें भी आप नहीं कर सकते हो। अब ये जो दोनों स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट बैंड है, इसे आपको चार्ज कैसे करना है? तो स्मार्ट बैंड में आपको कुछ इस तरह का चार्जिंग अडेप्टर मिलता है, इसे आपको ऐसे लगाना है और ये आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि USB फ्लैश ड्राइव होता है ऐसा कुछ, और इसे आपको चार्ज में लगाना है। तो जस्ट आपके चार्जर का जो अडेप्टर होता है इसमें जस्ट आपको इस तरह से पुट कर देना है और ये चार्ज होने लगेगा। ये था सिंपल तरीका कि आप कैसे स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड चार्ज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। आपको इस स्मार्ट बैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रैप में लगा लेना है, और इसे मैं ऐसे करके थोड़ा सा स्मार्ट बैंड को कुछ इस तरह से मैं स्ट्रैप में लगा दी हूँ, और देख सकते हो बहुत ही स्लिम, एंड आपको ऐसा नहीं लगेगा यार ये 300 रुपये में आपको कुछ ऐसा क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रैप वगैरह ठीक है, मतलब उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। अब इस स्मार्ट वॉच को आपको कुछ इस तरह से लगा देना है, बहुत ही सिंपल है कुछ। देखो ये हो गया आपका स्मार्ट वॉच और ये हो गया स्मार्ट बैंड, और दोनों आप देख लो किस तरह से दिख रहा है। अभी इसे मैं अपने कलाई पे आपको बांध के दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रिस्ट में मैं अपना बांध लिया हूँ स्मार्ट वॉच, और देख सकते हो कैसा दिख रहा है। वैसे लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे स्मार्ट वॉच कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। चलिए स्मार्ट बैंड को बांध कर देख लेते हैं किस तरह का दिखता है। अब स्मार्ट बैंड को बांधने के लिए आपको कुछ इस तरह से बांधना पड़ेगा, और इसका जो स्ट्रैप है कुछ अलग टाइप का है, इसे लॉकिंग सिस्टम है ये। तो ये देखिए स्मार्ट बैंड ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कलाई पे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और अच्छा भी लग रहा है, फील भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हो ये आपको किसी भी एंगल से 300 का नहीं दिख रहा होगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा फीचर वगैरह देख लेते हैं इस स्मार्ट बैंड और स्मार्ट वॉच में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह दोनों स्मार्ट बैंड एंड स्मार्ट वॉच का काफ़ी अच्छा है। ये 300 में बेस्ट है और ये 400 के हिसाब से बेस्ट है। बस 100 रुपये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले साइज है ये आपको 1.2 इंच का मिलता है, और ये आपको 0.96 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों में TFT डिस्प्ले होने वाला है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इसे दोनों को जो ऑपरेट करना है आपको एक ही बटन यहाँ पे दिया गया है, जिससे आपको बार बार टच करने के बाद आप इसे आगे जा सकते हो। जैसे सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं, जैसे ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे टाइम है, आप कितना स्टेप चलते हो ये हो गया, डेट वगैरह एंड कौन सा डे है आज का वो दिखाएगा, और बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अब इसके बाद आगे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे स्टेप काउंट हो गया, और इसके बाद BPM यानी कि हार्ट रेट हो गया। आगे जाएंगे तो स्पोर्ट मोड जैसे ही ऑन करते हैं तो इसे आपको किसी मोड को आपको ऑन करने के लिए थोड़ा देर के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, देन आपका वो चीज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैलरीज वगैरह आप देख सकते हो आगे क्या है, देख लेते हैं। ओके, इसे स्टॉप करना होगा, ऑन हो गया था।
यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में आपको तीन तरह का मिलता है, एक रनिंग हो गया, एक हो गया स्किपिंग, और दूसरा यहाँ पे तीसरा जो है वो है जंपिंग। और आप देख सकते हैं कैलरीज यानी यहाँ पे टाइमर है। अब स्पोर्ट्स मोड हो गया, मैसेज में जो भी मैसेज आया था वो यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड इसके बाद म्यूजिक, यानी कि इसमें आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो। और मोड हो गया, यानी कि मोड में आप जैसे ही जाओगे तो स्लीप मॉनिटरिंग हो गया, वेदर वगैरह आप देख सकते हो, कैमरा एज अ सेटर बटन इसका यूज कर सकते हो, लुकिंग फॉर यानी जब इसे स्मार्ट वॉच को आपको कनेक्ट करना है तो लुकिंग फॉर वाला ऑप्शन पर जाकर आपको करना पड़ेगा, रीसेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूआर कोड दिया गया है, ओके। और ये मॉडल नंबर हो गया स्मार्ट वॉच का, और इसमें तो कुछ खास है नहीं। अब गाइस यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दो तरह का डिफॉल्ट वॉलपेपर देखने मिलता है, एक ये हो गया और एक हो गया कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे और भी आप कर सकते हो स्मार्ट वॉच को, जब मैं कनेक्ट करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि आप कस्टम वॉलपेपर वगैरह देख लेते हैं किस किस तरह का आप इसमें सेट कर सकते हो। सेम इसमें भी है, सेम आपको एक बटन से ही सारा काम करना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हो। सेम ये हो गया इसका मेन स्क्रीन जो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। टाइम हो गया, अभी ये कनेक्टेड है एंड यहाँ बैटरी वगैरह दिखा रहा है, टाइम डेट और डे वगैरह है, और स्टेप आप जो चलते हो यहाँ पे दिखा रहा है। आगे चलते हैं तो स्टेप्स काउंट हो गया, हार्ट रेट, स्पोर्ट्स मोड, मैसेजेस एंड स्लीप मॉनिटरिंग, वेदर हो गया, म्यूजिक यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, नेक्स्ट हो गया, प्रीवियस कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। और चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, एक ही बटन से सारा काम करना पड़ता है, इसलिए। मोड में आते हैं, मोड में आने के बाद आपको कैमरा एज ए शटर बटन यूज कर सकते हैं, लुकिंग फॉर यानी कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे थीम है जैसा आप देख सकते हो, एक हो गया, डिफ़ॉल्ट में आपको एक ही तरह का वॉलपेपर देखने को मिलेगा। चलिए अब दोनों स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करके देख लेते हैं कि आपको क्या क्या इसमें आप चेंजेज वगैरह कर सकते हैं। ये जो स्मार्ट बैंड है इससे आप म्यूजिक वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ म्यूजिक नहीं, आप यहाँ से चाहो तो एज अ वीडियो भी इसे कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा इसको यूज करने में। अब म्यूजिक पर थोड़ी देर के लिए हम प्रेस किए हैं, अभी आप जिस तरह का आइकॉन देख रहे हो यहाँ पे, अभी ये पिंक कलर का जो आइकॉन है इसे आपको ले जाना पड़ेगा ये पॉज पे, और थोड़ा देर के लिए आप इसे जैसे ही प्रेस करोगे तो प्ले हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए प्रेस करोगे तो ये पॉज हो जाएगा। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट पे जाकर थोड़ा देर के लिए प्रेस करना है तो ये आगे का ट्रैक लग गया, और इसके बाद जैसे ही इसे करोगे तो ये प्रीवियस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे सेम आप स्मार्ट वॉच से भी कंट्रोल कर सकते हो म्यूजिक और वीडियो को, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड को यूज करने के बाद, ऐसे तो इसे मैं बहुत दिन पहले भी इसका रिव्यू किया था तो मुझे इसके बारे में तो बढ़िया से पता था। तो गाइस यहाँ पर जो इस दोनों स्मार्ट वॉच और इस स्मार्ट बैंड में जो सेंसर दिया गया है इसका ज्यादा कुछ खास यूज नहीं है, इसे अगर आप सर्फेस पे भी रखोगे तो ये डिटेक्ट करने लगता है, तो ये पूरा यूजलेस है। और इसमें जो बैटरी है, बैटरी अगर आप स्मार्ट वॉच को देखो तो इसमें आपको एक दिन का फुल बैटरी मिल जाएगा, अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो फिर आपको 7-8 घंटे का देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम है स्मार्ट वॉच का तो लगभग आपको 1.5 घंटे के आसपास चार्ज करना पड़ेगा। अब सेम इस स्मार्ट बैंड के साथ भी है, इसे आपको चार्ज करने में आपको 1.5 घंटे के आसपास लग जाएंगे, और इसके बाद इसका यूज अगर आप हेवी यूज करते हो तो 6-7 घंटे आपको देखने को मिलेगा, और आप इसे लाइट यूज करते हो जस्ट टाइम वगैरह चेक करते हो तो आपको होल डे का बैटरी वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये जो दोनों स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड है, अगर आप सीरियसली कुछ स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो तो आपको इसके लिए एटलीस्ट 2,000 से 3,000 रुपये के बीच में जाना पड़ेगा, और अगर आप स्मार्ट बैंड लेना चाहते हो तो आपको 1,000 रुपये से लेकर 2,000 के बीच में लेना पड़ेगा। ये जो दोनों है ये इतना अच्छा नहीं है, जस्ट मैं आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियो बना दिया हूँ, क्योंकि आप लोग का बहुत कमेंट था कि यार कोई स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड लेकर आओ जो 500 के आसपास आना चाहिए। ये थे दोनों स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड। अभी मैं आपको कमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जैसा आप लोगों ने कमेंट किया था इस स्मार्ट वॉच में, ये सभी का मैं अभी आपको रिप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे जो पहला कमेंट है जिसे मैं पिकअप किया हूँ, ये है क्या इसमें कैलकुलेटर है? तो गाइस इसमें कैलकुलेटर आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन है क्या? तो जरूर है, म्यूजिक का कंट्रोल है, और नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो दूसरा कमेंट है ये पूछ रहे हैं कि ब्रो वी कैन चेंज स्क्रीन थीम इन दिस वॉच? तो बिल्कुल नहीं आप कर सकते हो, दो इसमें आपको जो देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट वही इसमें दिया गया है, कस्टम आप इसमें सेट नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ये है कैन वी लिसन म्यूजिक इन इट बाय इंसर्टिंग मेमोरी कार्ड? तो बिल्कुल नहीं यार, इसमें आप मेमोरी कार्ड और सिम नहीं लगा सकते हो। ओके, अगला कमेंट जो इसमें है ये है इसका बैटरी जो है कितना टाइम तक चलता है? तो बैटरी मैंने आपको बताई 1 से 2 दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप बहुत कम यूज करते हो तो, अगर आप हेवी यूज करते हो तो आपको 6 से 7 घंटे का ही देखने को मिलेगा। ओके, अब अगला जो कमेंट है इज इट स्क्रीन टच? तो देखो ये स्क्रीन टच है बट इसमें आपको एक ही बटन मिलता है जिसके ही यूज से आप सारा काम करते हो, यहाँ पे कोई फुल डिस्प्ले
टच देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अगला कमेंट देख लेते क्या है। अगला कमेंट जो मैं सिलेक्ट किया हूँ, इसमें इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं और फोटो क्लिक कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। क्या क्वेश्चन है यार। देखो, इसमें आप इंस्टाग्राम तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, और इसे एज ए कैमरा का शटर बटन यूज कर सकते हो। जैसे कैमरा ऑन किया और जस्ट अपने रिस्ट से ही डायरेक्ट स्मार्ट वॉच में एज ए शटर बटन आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, चलिए अगला कमेंट जो है यहाँ पे, डिड वी इंटर सिम कार्ड, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो अगला कमेंट है ये पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ स्मार्टफोन से ही कनेक्ट हो सकता है या और भी फ़ोन से हो सकता है? तो बस इसमें आप iOS और Android ये दोनों तरह का फ़ोन से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप विंडोज़ फ़ोन वगैरह से इसे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, ब्रो कैन वी यूज जियो 4G सिम? बिल्कुल नहीं, आप इसमें सिम ही यूज नहीं कर सकते, तो 4G सिम कहाँ से यूज करोगे गाइस। कैन वी मेक एंड रिसीव अ कॉल इन दिस वॉच? तो बिल्कुल नहीं, आप इसमें बस देख सकते हो कॉल आ रहा है, बस यही आप देख सकते हो, कॉल रिसीव अगर आप नहीं कर सकते हो। तो गाइस ये था फाइनली इस स्मार्ट वॉच के रिगार्डिंग जो कमेंट था आप लोगों का, ये मैं रिप्लाई कर दिया हूँ। तो अब आपको ये दोनों में से आपको लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आप 300 में कुछ सोच रहे हो तो स्मार्ट बैंड ले सकते हो, अगर आपको 400 टू 500 के बीच में लेना है तो आप ये स्मार्ट वॉच ले सकते हो। देखो यार, बहुत ही अच्छा नहीं है, और आई थिंक प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे, 500 के अंडर में क्या ही देखने को मिलेगा यार। ओके, तो अगर आपको लेना है तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने में मिल जाएगा। अगर आप सीरियसली कुछ स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड लेना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट स्मार्ट बैंड के लिए 1000 से 1500 के बीच में जाना पड़ेगा। अगर आपको स्मार्ट वॉच चाहिए तो आपको 2000 से 3000 के बीच में जाना पड़ेगा, देन आप एक डिसेंट सा स्मार्ट बैंड और स्मार्ट वॉच ले सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो इन्वेंशन डिस्ट्रा को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।